खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका कई अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा 200 घायलों का इलाज जीटीबी अस्पताल में किया जा रहा है। यहां अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एलएनजेपी अस्पताल में 2 की मौत की पुष्टि हो गई है। जीटीबी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार ने मौत की पुष्टि की। मरने वालों में एक महिला मरीज भी शामिल है। मंगलवार को जीटीबी में 13 घायलों की पुष्टि की गई थी, लेकिन 12 लोगों की मौत की पुष्टि बुधवार को की गई, जिसमें से 4 डेड बॉडीज अल हिंद अस्पताल से लाई गई थी। जीटीबी अस्पताल ने 30 मौतों में से 22 मौत की वजह भी बताई, जिसमें से सबसे ज्यादा गन शॉट के 10 मामले हैं, जबकि 7 असॉल्ट, 3 स्टैब और 2 की मौत बर्न की वजह से हुई है। दूसरी तरफ एलएनजेपी अस्पताल के मुताबिक अब तक वहां पर कुल 48 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। दोनों की मौत गन शॉट की वजह से हुई है। घायल हुए 10 मरीजों को मैक्स पटपड़गंज एडमिट किया गया, जिसमें से 7 को छुट्टी मिल गई। अस्पताल में अभी भी डीसीपी अमित कुमार एडमिट हैं, उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं जिन इलाकों में हिंसा की गई थी वहां अब सफाई की जा रही, ताकि जली हुई गाड़ियां, मोटरसाइकिल और पत्थरों को हटाया जा सके।